पवनदीप राजन के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक्चुअली पवनदीप राजन के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जो कि सपने देखना जानते हैं, जो कि सपनों को सच करना चाहते हैं, छोटे शहरों के वो लोग जो कि सपने देखते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं। आज पवनदीप ने वो कर दिखाया है दोस्तों, जो कि मतलब एक अपने आप में ही एक्सेप्शनल है। जी हाँ, माधुरी दीक्षित को, जी हाँ, द ग्रेट लेजेंडरी एक्टर कह सकते हैं माधुरी दीक्षित जी, उनको पीछे कर दिया है पॉपुलैरिटी के मामले में। और एक ऐसा सर्वे आया जिसमें कि उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और ये मैं आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि उत्तराखंड के तीन बड़े जो स्टार्स हैं, उन्होंने अपना नाम इस पूरे देश की लिस्ट में दर्ज कराया है। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल बोस। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब पवनदीप राजन, और साथ ही साथ पवनदीप राजन ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया, एक्चुअली आप लोगों ने क्या करिश्मा कर दिया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑर्मैक्स जो है, ऑर्मैक्स कैरेक्टर्स इंडिया लव्स मोस्ट पॉपुलर नॉन फिक्शन पर्सनैलिटीज ऑन हिंदी टेलीविजन। ऑर्मैक्स अक्सर जो है इस तरीके के सर्वे करता रहता है दोस्तों। तो ये अप्रैल 2021 के इस पूरे सारे जितना भी चीज़ें हुई उस दौरान का सर्वे है। यू गाइज वोंट बिलीव दैट दोस्तों, कि ये जो पर्टिकुलर सर्वे है इसमें पवनदीप तीसरे स्थान पर है। और मैं पांचवे से शुरू करता हूँ। पांचवे से हैं नन अदर देन राघव जुयाल, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और राघव डांस दीवाने में होस्ट करते हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग होस्टिंग रहती है उनकी। और राघव जुयाल जो है तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर माधुरी दीक्षित जी हैं, जी हाँ, धक धक गर्ल, जो कि डांस दीवाने में जज का काम करती हैं। तीसरे स्थान पर पवनदीप राजन हैं, जो कि इंडियन आइडल के कंटेंडर हैं और स्टार कंटेंडर हैं कह सकते हैं। पवनदीप राजन के बारे में मैंने कुछ और भी बातें बताई हैं अंकल जी से, जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है दोस्तों। सो दूसरे स्थान पर हैं नेहा कक्कड़, जो कि दोस्तों इंडियन आइडल की जो है जज हैं। और पहले स्थान पर है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा हमेशा फर्स्ट स्थान पर ही रहते हैं जब कभी भी आते हैं दोस्तों, चाहे उनका शो हो चाहे वो हो, वो हमेशा नंबर वन पर रहते हैं। सो गाइज, आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। चलता हूं मैं।